उस बैठक में सभी विधायकों ने अपने इस कार्यकाल के दौरान अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो विकास के काम करवाए हैं, उनका ब्यौरा एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से पार्टी को सौंपा है। और उसी के साथ आने वाले समय में अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी है तो उसकी जानकारी भी दी गई है, ताकि सरकार के माध्यम से उसको पूरा किया जा सके, ताकि पार्टी पूरी शक्ति के साथ आने वाले चुनाव में जो है वो भाग ले सके। अनेक विषयों पर उस बैठक में चर्चा हुई, परंतु कुछ विधायकों ने इसके अलावा अनेक सुझाव पार्टी और सरकार को आने वाले चुनाव के दृष्टि से उन्होंने दिए हैं, जिस पर आने वाले समय में पार्टी और सरकार कार्रवाई करेगी। आप सब जानते हैं हमारे 17 प्रकोष्ठ पार्टी के काम करते हैं, उनके प्रदेश संयोजकों से पूरी विस्तृत जानकारी ली गई और तय किया गया कि वो जल्दी ही मंडल स्तर तक अपने अपने प्रकोष्ठ की कमेटियों का गठन पूरा करेंगे और उनके जिन वर्गों को वो रिप्रेजेंट करते हैं उन वर्गों की समस्याएं लिखित रूप से सरकार के ध्यान में लाएंगे, ताकि उनका समाधान आने वाले समय में सरकार करे। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें, हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस संकट काल में कांग्रेस और मैं सदैव आपके साथ हैं। डटकर मुकाबला करें, घबराएं नहीं।